Hello everyone, in this video lecture of digital electronics or digital system design, I am going to discuss one more code converter. I am going to discuss 4-bit binary to gray code converter. 3-bit binary to gray code converter is already uploaded. So I will provide the link in description box. So now start karte hain 4-bit binary to gray code converter. Number of bits small n is equal to 4. So how many possible combination? 2 raised to power n is equal to 16. What is the range? रेंज क्या होगी? रेंज इज इक्वल टू 0 to 15, बिकॉज रेंज क्या होती है? 0 to 2 raised to power n-1. ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स 4 हैं, तो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन होंगे वो 16 होंगे और रेंज क्या होगी? 0 to 15. तो मैंने ये बाइनरी में 0 to 15 लिख लिए हैं. नाउ अब हम कन्वर्ट करते हैं इन ग्रे कोड. तो मैं पहले वन एग्जाम्पल बता देती हूँ. सपोज मेरा नंबर है 1011, तो ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फर्स्ट बिट वुड बी सेम. फर्स्ट एंड सेकंड का एग्जॉर क्या होगा? 1. 0 एंड 1 का एग्जॉर क्या होगा? 1. 1 एंड 1 का एग्जॉर क्या होगा? 0. ये कैसे हुआ? इफ यू रिमेंबर ट्रुथ टेबल ऑफ एग्जॉर गेट, एग्जॉर तो क्या होती है? इनपुट ए बी आउटपुट वाई. फॉर 0 0 वाई विल बी 0, 0 1 वाई विल बी 1, 1 0 वाई विल बी 1, 1 1 0. ठीक है, मीन्स कि अगर बोथ इनपुट्स आर सेम, अगर दोनों इनपुट्स 1 1 या 0 0 होंगे तो आउटपुट 0 होगी, अगर इनपुट्स डिफरेंट होगी तो आउटपुट हाई होगी. यूजिंग दिस ट्रुथ टेबल हमने ये ग्रे कोड कैलकुलेट किया. फर्स्ट बिट सेम, फिर फर्स्ट एंड सेकंड बिट का एग्जॉर, फिर सेकंड एंड थर्ड बिट का एग्जॉर, फिर थर्ड एंड फोर्थ बिट का एग्जॉर, क्या आया? 0. तो बाय यूजिंग दिस मैथड एंड दिस टेबल हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे. तो मैं कन्वर्ट करती हूँ. फर्स्ट हमारा 0 0 है, तो 0 के लिए फर्स्ट बिट विल बी सेम. 0 0 का एग्जॉर 0, 0 0 का एग्जॉर 0, 0 0 का एग्जॉर 0. नाउ फर्स्ट बिट इज सेम, 0 0 का एग्जॉर 0, 0 0 का एग्जॉर 0, 0 1 का एग्जॉर 1. नाउ फर्स्ट बिट इज सेम, 0 0 का एग्जॉर 0, 0 1 का एग्जॉर 1, 1 0 का एग्जॉर 1. नाउ फर्स्ट बिट इज सेम, 0 1 का एग्जॉर 0, 0 1 का एग्जॉर 1, 1 1 का एग्जॉर 0. नाउ फॉर दिस केस फर्स्ट बिट इज सेम, 0 and 1 से 1, 1 0 से 1, 0 0 से 0. नाउ फॉर दिस फर्स्ट बिट इज सेम, 0 1 से 1, 1 0 से 1, 0 1 से 1. नाउ फॉर दिस फर्स्ट बिट इज सेम, 0 1 से 1, 1 1 से 0, 1 0 से 1. नाउ फर्स्ट बिट इज सेम, 0 1 से 1, 1 1 से 0, 1 1 से 0. नाउ फॉर दिस फर्स्ट बिट इज सेम, 1 0 से 1, 0 0 से 0, 0 0 से 0. नाउ फॉर दिस फर्स्ट बिट सेम, 1 0 से 1, 0 0 से 0, 0 1 से 1. नाउ फर्स्ट बिट इज सेम, 1 0 से 1, 0 1 से 1, 1 0 से 1. ठीक, नाउ फर्स्ट डिजिट इज सेम, 1 0 से 1, 1 0 से 1, 0 1 से 1, 1 1 से 0. ठीक है, नाउ नेक्स्ट फॉर दिस फर्स्ट बिट इज सेम, 1 1 0, 1 0 1, 0 0 0. फर्स्ट बिट सेम, 1 1 0, 1 0 1, 0 1 1. फर्स्ट बिट सेम, 1 1 0, 1 1 0, 1 0 1. नाउ फर्स्ट बिट सेम, 1 1 0, 1 1 0, 1 1 0. हम क्या करेंगे? हम G3 G2 G1 G0 की एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन के मैप में प्लॉट करेंगे और उसकी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. नाउ सबसे पहले फॉर G3 इज इक्वल टू समीशन m, ये डेसिमल इक्विवेलेंट है, 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, सबके लिए है. मींस कि ये क्या हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 and 15. ठीक है, नाउ फॉर G2 समीशन m, यहाँ पर है 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 to 11. तो ये क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, नाउ फॉर G1 इज इक्वल टू समीशन m, 2 3 4 5. पहले ये लिख लेती हूँ, 2 3 4 5. नेक्स्ट दिस इज 10 11 12 13, 10 11 12 13. नाउ फॉर G0 समीशन m, 1 है 2 है, 1 2. देन दिस इज 5 6, यहाँ पे देखो आप 5 and 6, 5 6. देन 9 10 9 10, देन 13 14 13 14. ठीक, नाउ अब हमें सारी क्या मिल गई,
बुलियन एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है, मीन टर्म एक्सप्रेशन मिल गई। अब हम इसको के मैप में प्लॉट करते हैं वन बाई वन। तो फर्स्ट के मैप फॉर G3 के लिए हम प्लॉट करते हैं। तो G3 की वैल्यूज क्या है, 8, 9, यहाँ क्या है 8, 9, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक। नाउ यहाँ पे सारे हैं तो क्या बनेगा, 1 ऑक्टेट, ये ऑक्टेट, ठीक है, सारे कॉलम्स यूज हो गए, मीन्स 1 हो गया। फ्रॉम दीज टू रो व्हाट इज कॉमन, B3, तो G3 इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, B3। तो ये हो गई इक्वेशन फॉर G3, ठीक। नाउ फॉर G2 की वैल्यूज प्लॉट करते हैं, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 1 क्वाड दिस साइड, 1 क्वाड दिस साइड, ठीक है। तो फ्रॉम दिस G2 इज इक्वल टू B3 बार B2 प्लस इससे क्या मिलेगा, B3 B2 बार, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज G2 इज इक्वल टू B3 एग्जॉर विथ B2। तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए हो गई, G2 के लिए, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं फॉर G1, यहां पर G1 के लिए 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 12, 13, ठीक है। तो नाउ इन दिस केस 1 क्वाड दिस वन एंड 1 क्वाड बैक टू बैक दिस वन, ठीक है। तो पहले इस क्वाड के लिए लिखते हैं, दीज टू रोज से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, B2, मीन्स कि G1 इज इक्वल टू B2, ये दो कॉलम से हमें क्या मिल रहा है, B1 बार प्लस फर्स्ट एंड लास्ट रो से कॉमन क्या है, B2 बार, ठीक। लास्ट के टू कॉलम से कॉमन क्या है, B1, तो G1 इज इक्वल टू B2 एग्जॉर विथ B1। तो ये हमें एक्सप्रेशन किसकी मिल गई, ये हमें एक्सप्रेशन मिल गई G1 की, ठीक है। नाउ मैं थोड़ा इसको सही कर लेती हूँ, ये इरेज हो गया, B1 बार है, B0 बार है, डन, ठीक। नाउ लास्ट के मैप फॉर G0, 1, 2, 1, 2, 5, 6, 5, 6, 9, 10, 9, 10, 13, 14, 13, 14, ठीक। तो नाउ इन दिस केस क्या होगा हमारा पॉसिबल, नाउ टू क्वाड इज पॉसिबल, 1 क्वाड एंड 2nd क्वाड, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, G0 इज इक्वल टू फ्रॉम दिस कॉलम B1 बार B0 प्लस फ्रॉम दिस कॉलम B1 B0 बार, ठीक है। तो नाउ अगेन ये एग्जॉर की एक्सप्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, G0 इज इक्वल टू B1 एग्जॉर विथ B0, ठीक है। नाउ ये हमें सारी एक्सप्रेशन मिल गई, अब हम इसका लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मैं इसकी में 3, 4 बाइनरी डिजिट्स B3 B2 B1 एंड B0, ठीक है, ये हो गई हमारी बाइनरी नंबर्स, ठीक है, क्लियर। नाउ सबसे पहले G3 इज इक्वल टू क्या है, B3, मीन्स कि हम यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, G3। नाउ G2 इज इक्वल टू B3 एग्जॉर विथ B2, ठीक है, मीन्स कि 1 एग्जॉर गेट, आउटपुट क्या होगी G2, इनपुट क्या है B3 एंड B2, डन। नेक्स्ट G1 इज इक्वल टू B2 एग्जॉर विथ B1, 1 मोर एग्जॉर गेट, ठीक है, इसके लिए इनपुट क्या है B2 एंड B1। नेक्स्ट G0 क्या है, 1 मोर एग्जॉर गेट, यहाँ पे क्या मिलेगा G0, ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है, B1 एंड B0 का, ठीक। आइदर आप लॉजिक डायग्राम ऐसे बना सकते हो और यू कैन ड्रॉ B3 B2 B1 B0, G3 G2 G1 G0, कैसे कनेक्शन होगा इसका, G3 एग्जॉर ऑफ दीज टू, नाउ नेक्स्ट में एग्जॉर ऑफ B2 B1, G1 मिलेगा, नाउ एग्जॉर ऑफ B1 B0, हमें G0 मिलेगा। आइदर यू ड्रॉ दिस और यू कैन ड्रॉ दिस, बोथ आर सेम, ये क्या है, दिस इज लॉजिक डायग्राम ऑफ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। थैंक यू सो मच, स्टिल यू हैव एनी डाउट इन इट पॉइंट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, आई विल प्रोवाइड द नोट्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।